जब औरतों को घरों में मारा जाता है, जब ऑनर किलिंग्स होती हैं, जब ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ वायलेंस होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, उस पर तो इनकी कोई, कभी मैंने देखी नहीं इस रिलीजियस लॉबी की कोई आउटरीच। क्या इंसानियत जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है? इनकी नज़र में इस्लाम क्या है और इस्लाम के हदूद क्या हैं, ये वो मेरा ख्याल में समझते ही नहीं है। आप अगर अच्छे इंसान नहीं हैं और इंसानियत की वैल्यूज़ को नहीं समझते और इंसान की डिग्निटी को आप जो एक होता है ना इंसानी वकार की आप कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर आप कहाँ के मोरालिटी के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ तक के ये मैंने भी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जो मैं पढ़ रही हूँ कि किस थीम पे ये फिल्म बनी है, आप पहली दफ़ा ये देख रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है उनके ऊपर आप या तो उनको एक विक्टिम की नज़र से देखते हैं या आप उनको एक अग्रेसिव नज़र से देखते हैं और उनके खिलाफ आपके जहन में बायसेस इतने शदीद हैं कि आप उनको फिजिकल हार्म से भी आप गुरेज नहीं करते उनके खिलाफ। और ऐसे भी वाकयात बहुत से हुए हैं जहाँ लोगों ने कत्ल किए हैं ट्रांसजेंडर्स को, जिसका मतलब है कि आपकी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जो ट्रांसजेंडर्स की जेनोसाइड कमिट कर रहा है और इस इंटेंशन से मार रहा है कि इस कम्युनिटी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं इनका एग्जिस्टेंस जो है वो रिपग्नेंट है टू देयर थिंकिंग। तो अगर यहाँ पर ऐसी रोजानात यहाँ मौजूद हैं, तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो फिल्म है ये पहली दफ़ा दिखा रही है कि दे ट्रांसजेंडर जो हैं वो इस दे आर वर्दी ऑफ लव, दे आर वर्दी ऑफ सॉफ्टर इमोशंस, दे आर वर्दी ऑफ हैविंग अ प्लेस एज अ ह्यूमन पर्सन, एज अ ह्यूमन पर्सन जिसके जो दूसरों के अंदर कोई इमोशंस इंस्पायर करते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके जरिए से आप उस कम्युनिटी को जिसको आप एज अ स्टेट बार बार अपने इमेज को अच्छा करने के लिए आप दिखाते हैं कि हमने इनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए हैं, इनकी आइडेंटिटी दी है इनको और थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज किया है। तो जब आपने थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज किया है तो क्या आप ये बात गवारा करेंगे कि उस थर्ड जेंडर की जो ह्यूमन साइड है या उसके उसके हवाले से जो इमोशंस इंस्पायर हो रहे हैं किसी शख्स में, उसको आप इग्नोर कर दें या उसको इमोरल समझें? मैं तो समझती हूँ ये फॉल्स वैल्यूज हैं, और अगर ये फॉल्स वैल्यूज हैं तो हमें इनके खिलाफ स्ट्रगल करना चाहिए। हम बड़े सालों से इक्वालिटी के हवाले से, ह्यूमैनिटी के हवाले से, डिग्निटी के हवाले से, औरतों के हवाले से भी और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से भी लड़ रही, और ये एक ऐसा सबक सोसाइटी को मिलता है और वो एक पर्सपेक्टिव दिखा रही है ये फिल्म सोसाइटी को कि ये इंसान है और इनके इनके लिए वो भी वही चीज़ नॉर्मल है जो आपके लिए होगी। और दूसरी बात ये कि एक तो ये जो लॉ आया था ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन का, इसके अगेंस्ट जो लोग एक ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि जी हम जिंस परस्ती जो है वो ये इनकरेज करी, तो यहाँ तो हम जिंस परस्ती भी नहीं है, एक आदमी है और एक ट्रांसजेंडर है, देयर आर डिफरेंट जेंडर्स एंड कैन दे नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशंस फॉर ईच अदर। यस, एंड एग्जैक्टली ये तो आपने एक प्रिंसिपल की बात की जो ऑफ कोर्स यू नो प्रिंसिपल स्टैंड्स है एंड इट्स रूटेड इन लाइक डिग्निटी और इक्वालिटी फॉर ऑल, बट एट द सेम टाइम जो फिल्म है उसको वही वाली बात कि हम लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी इसके मतलब बावजूद कि इसकी बहुत तारीफें हुई हैं, और यकीनन जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से एक राइट विंग लॉबी जो इसको बैन करना चाहती है वो गलत उसको इंटरप्रेट कर रही है, जो उसके फिल्म मेकर्स हैं और वो इंटरप्रेट नहीं करते, वो इंटरप्रेट नहीं करते, उनके दिमाग के अंदर एक फोबिया है ऑफ रियलिटी, मिथ क्रिएट कर रहे हैं और व्हाट ए पर्टिकुलर सोसाइटी शुड बी, ये मिथ क्रिएट कर रहे हैं, रियलिटी को नहीं, रियलिटी को हमेशा दबाना चाहते हैं, इसलिए दे डोंट फेस, वो फेस नहीं कर सकते रियलिटीज को।
Okay, they are creating a myth. So I have quickly have एक short मुझे जो दो आपकी तरफ आपसे comment चाहिए एक मैं बिल्कुल क्योंकि आज हम live हैं so I was just looking at the comments online और लोग जो हैं वो of course कुछ लोग तो अच्छा response दे रहे हैं कुछ लड़ रहे हैं उसमें कि इस्लाम से मुनाफिकत है और इस्लाम को पढ़ो और religious lobby और ये वो इस तरह की मैं जानबूझ के ये point out किया है क्योंकि ये हमारी बात को भी misunderstand कर रहे हैं right के मैं ये आपसे मेरा यही सवाल है इस बात को लेके ये जो कमेंट्री हो रही है कि वो अज्यूम कर रही है कि हम इस्लाम को अटैक करें ये बात नहीं है और ये कि ये हम बल्कि इस्लाम की वैल्यूज आपको बता रहे हैं जहाँ टॉलरेंस है जहाँ रियलिटीज को देखना है जहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि इस्लाम में ह्यूमैनिटी है और डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन पे हमेशा इस्लाम फोकस करता है तो आप किसी की डिग्निटी के खिलाफ और उसकी जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको आप कह दें कि ये अन इस्लामिक है तो इससे बड़ी इस्लाम के खिलाफ बात और क्या हो सकती है जी बिल्कुल और ये लास्ट क्विक आई कमेंट फ्रॉम यू एंड देन वी विल रैप अप इज के जो ये जो गवर्नमेंट है जो ये वाली गवर्नमेंट है इसने अपीज किया और केव इन कर दिया और कह दिया कि हमें कंप्लेंट्स आई हैं जिसके बेस पे जो है हमने ये इसको सस्पेंड किया है इसकी जो सर्टिफिकेशन दी थी जो अप्रूव हो गई थी पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ये फिल्म पहले एक प्रोसेस से गुजर के अप्रूव थी और उस पे जिन्होंने एक तो ये कि ये आर्बिटर्स कौन है ये हुकूमत जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो है ये आर्बिटर है इस चीज की कि हमारे सोशल वैल्यूज और मेरे सोशल वैल्यूज और आपके सोशल वैल्यू हैं किसी और के हमारे देखने वाले हमारे कॉलीग्स के दोस्तों के और मॉरल जो है वो वैल्यूज और डिसेंसी के कौन हैं और क्या डिसेंसी है क्या वो हमारे लिए डिफाइन करेंगे कि डिसेंसी क्या है एक तो ये और ये हमारी जो गवर्नमेंट्स हमेशा जो है वो अपीस करती हैं क्योंकि पिछली हुकूमत ने जिंदगी तमाशा है वो TLP के हुपला के बाद वो एक सिक्योरिटी इशू बन गया है उसको पहले रोका उसको स्क्रीन नहीं होने दिया फिर उसके बाद उसको अप्रूव किया मगर ऑफ कोर्स वो फिल्म जो है उस तरह से नहीं लग सकी और वो लगेगी तो वो जिन्होंने बनाई है उनके लिए इट कैन टर्न इनटू सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिग इशू बिकॉज़ गवर्नमेंट्स जो हैं दे अपीज एंड गिव इन टू द राइट विंग लॉबिंग एंड सेंटिमेंट एंड देन ये डिजास्टर होता है और उसमें हम जो है स्टंट होके वी आर जस्ट वी आर पुअरर नाउ एज अ सोसाइटी कल्चरली भी और अदरवाइज भी कि हम अपनी स्टोरीज नहीं टेल कर सकते और हम देख नहीं सकते इस तरह की चीजें इस तरह का आर्ट जी हुकूमत के जो रोल है ना हुकूमत का एक रोल तो सारी दुनिया में होता है लेकिन वो वहां होता है ये इख्तियारात वहां दिए जाते हैं जहां पर ये खदशा हो कि कोई ऐसा मवाद है जो कि किसी खास उम्र के लिए या किसी खास तबके के लिए उनकी डिग्निटी को इंजर करता है और या किसी के खिलाफ किसी किस्म की कोई हेट्रेड इंस्पायर करता है देखिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से अगर देखें तो बहुत सी चीजें जो है वो इस जिमन में आती हैं कि उनके ऊपर रियासती कंट्रोल जो है उसके तहत कोई ना कोई कदगन लगाई जा सके लेकिन आप ये कह दें कि यहाँ पर डिसेंसी का मामला है या मॉरल वैल्यूज जो है हमारी उनके खिलाफ है ये तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है आपका जो एक कानून बना हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उसके अंदर उनकी आइडेंटिटी भी रिकॉग्नाइज की गई है जब आप आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करते हैं देयर आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी एंड देयरफॉर ऑल इमोशंस